नमस्कार, इवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के युवाओं से खेल के प्रति अपना रुझान बढ़ाने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि खेल मंत्रालय ने खेल प्रतिभा की खोज के लिए एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल तैयार किया है, जहां पूरे देश से कोई भी बच्चा जिसने खेल के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल की है, इस पोर्टल पर अपना बायोडेटा या वीडियो अपलोड कर सकता है। उनमें चयनित होने वाले बच्चों को खेल मंत्रालय ट्रेनिंग देगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम यौन शोषण मामले में दोषी साबित हो गए हैं, उन्हें रोहतक जेल में रखा गया है। इस बीच खबर है कि पंचकुला में जो हिंसा फैली है उसके पीछे राम रहीम के केवल अनुयायी भर नहीं थे, बल्कि इनमें भाड़े पर लाए गए लोग भी शामिल थे। हर रोज 1000 रुपए और फ्री में भोजन पर लोगों को पंचकुला में जुटाया गया था। डेरा अधिकारियों की ये कवायद फैसले से पहले प्रशासन पर दबाव डालने की थी। साध्वी से बलात्कार का दोषी राम रहीम बड़ी प्लानिंग के साथ आया था, उसके समर्थक हरियाणा पुलिस में भी मौजूद थे। इसका पता गुरमीत राम रहीम के दोषी साबित होने के बाद चला। खबरों की माने तो कोर्ट परिसर के बाहर 7 लोगों ने राम रहीम को वहां से भगाने की कोशिश की थी। इसके लिए पुलिस वालों और सिक्योरिटी गार्ड से उनकी झड़प भी हो गई थी। ये प्लान फेल होने के बाद ही हिंसा फैली। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राजद के भाजपा बगाओ देश बचाओ रैली में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत बड़ी संख्या में विपक्ष जुटा। रैली के मंच पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जदयू के बागी नेता शरद यादव गले मिले। रैली में नेताओं के निशाने पर केंद्र की पीएम मोदी सरकार और सीएम नीतीश कुमार रहे। अर्धसैनिक बलों के डीजी के शर्मा ने कहा कि ISIS एक जवान के बनाए गए वीडियो का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो इसी साल बनाया गया था। उन्होंने कहा कि BSF की रसोई में आकर कोई भी यहां के भोजन की गुणवत्ता जांच सकता है। भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए ISIS इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। JDU के बागी नेता शरद यादव को कथित तौर पर धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि अगर बिहार सरकार के खिलाफ बोले तो अंजाम भुगतना होगा। शरद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र के बारे में जानकारी भी दे दी है। पत्र हाल ही में उनके सरकारी आवास पर पोस्ट किया गया था, जो उन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मिला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने आज सड़क दुर्घटना में घायल कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि दिनेश शर्मा कानपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान जैसे ही सर्किट हाउस शांति पथ रोड पर उनका काफिला पहुंचा, उन्हें कुछ लोग घायल दिखाई दिए, जबकि इससे पहले वहां खड़े लोग केवल तमाशा ही देख रहे थे। 2020 तक भारतीय सेना को आधुनिक तकनीक से लैस हवा में मार करने वाला एडवांस मिसाइल सिस्टम मिल जाएगा। इस मिसाइल से 70 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की मिसाइल फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया जा सकता है। मिसाइल सिस्टम को DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मिलकर तैयार कर रही है। अभी तक आप भले ही 2 लाख रुपए से ज्यादा का सोना खरीदने पर पैन कार्ड दिखाते होंगे, लेकिन अब इसमें कम की खरीद पर भी पैन कार्ड जरूरी हो सकता है। रिजर्व बैंक की एक समिति ने सरकार से सिफारिश की है और अगर इसे मान लिया जाता है तो सोने की हर खरीद इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रजिस्ट्री में दर्ज होगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान के अलग थलग पड़ने के लिए सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार की कमजोर विदेश नीतियों के चलते पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ रहा है, इसके निर्यात में रिकॉर्ड गिरावट हो रही है। चीन के अड़ंगा डालने की वजह से भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहा है, लेकिन अब अमेरिका भारत को NSG में लाने के तरीकों पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका NSG में भारत की सदस्यता को बेहद अहम मानता है। बता दें कि परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के प्रतिष्ठित समूह NSG की इस साल जून में हुई बैठक में भारत के आवेदन पर कोई फैसला नहीं हो सका था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 8 जवानों के शहीद होने और हरियाणा के पंचकुला की अदालत में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप का दोषी ठहराए जाने की घटना पर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने तंज कसा है। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है, बॉर्डर पर टेररिस्ट अंदर बाबा रेपिस्ट और हम उलझे हैं सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजाने के लिए, वक्त है कुछ करने का। सलमान खान को बॉलीवुड में अपने करियर को शुरू किए हुए 29 साल हो गए हैं। अपने 29 साल के इस करियर में सलमान खान ने एक्शन से लेकर रोमांस तक हर तरह की फिल्में की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने 29 साल पहले फिल्मों में आने से पहले खुद से वादा किया था कि वे कभी किसी हीरोइन को लिप किस नहीं करेंगे, जिसे वे आज तक निभा रहे हैं।
मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।